कि जीने वाले लोगों को समझने के लिए हमें इस दिशा में पहल करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। 3 साल पहले हमने आदि बिंब की शुरुआत की, आदि रंग महोत्सव की शुरुआत की, ये 3रा साल है। ये पहले हमने कोलकाता में दोरंदा नाम का एक छोटा सा गांव है शांति निकेतन के पास, वहाँ से शुरुआत की। फिर एक महोत्सव हमारा बहुत बड़ा महोत्सव जो है मुंबई में होता है। फिर हमने रायपुर में इसके महोत्सव किए। इस साल हमने दमन में, जो यूनियन टेरिटरी है उसमें, दमन में हमने अभी अभी एक पिछले महीने एक महोत्सव किया है। और अंडमान में मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इतना बड़ा मेगा इवेंट लेके पहली बार आपके सामने आ रहा है। वो इस सोच के साथ हम यहाँ आ रहे हैं या आए हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल दिल्ली में नहीं रहना चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये नेशनल है, और नेशनल शब्द से उसका जो रिश्ता है, भारत जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ पहुँचना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के तहत, जो अंडमान इतनी दूर है उसके बावजूद भी हमने इस बार अंडमान को चुना है। और ये पहली बार नहीं होगा, ये आखिरी बार नहीं होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अंडमान के साथ अपना गहरा रिश्ता हमेशा रखेगा, इसके आगे भी रखेगा। आपके सामने लगभग 200-250 कलाकार जो है ये 3 दिन अपना अपनी कला पेश करेंगे, अपना डांस, अपना म्यूजिक, अपना थिएटर, जो भी उनके पास है। मुझे लगता है इस बहुत ओरिजिनल चीजें हैं जिसमें कोई भी मिश्रण नहीं हुआ है, कोई कंटेमिनेशन नहीं हुआ है, ऐसी चीजें लेके हम यहाँ पहुंचे हैं। और ये सिलसिला जितना आप प्रतिसाद दोगे उससे ज्यादा प्रतिसाद जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से यहाँ मिलेगा। इस वादे के साथ, इस शब्दों के साथ, मैं पुनः एक बार, हमारे विशेष अतिथि हैं, हमारे प्रमुख अतिथि हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, और सब और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रोफेसर वमन केंद्रित जी। अब मैं गुजारिश करूंगी आज के मुख्य अतिथि चीफ सेक्रेटरी श्री आनंद प्रकाश जी से कि कृपया आए और आशीर्वाद स्वरूप चंद शब्द कहें।